जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हम CBM TV के लिए एक व्लॉग तैयार कर रहे हैं। ये है जी पुराना मीरपुर शहर का जो डैम था जिसमें मंगला डैम बना हुआ है। ये देखिए ये कुछ रोड पुरानी आपको नज़र आ रही हैं। इतना अर्सा गुजरने के बावजूद भी उन रोड के निशानात अभी तक बाकी हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। लोगों ने अभी भी अपनी फसलें उगाई हुई हैं। जब इनको मौका मिलता है पानी नीचे उतरता है। यह कनक की फसल कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। मुकम्मल तैयार हो चुकी है फसल। ये कुछ ही दो चार हफ्तों के बाद ये काटने के काबिल हो जाएगी। ये देखिए ये पुराने रोड के ऐसा खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरा रास्ता था जो पुराने शहर में जा रहा था। इस वक्त हम मीरपुर के पुराने शहर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर पुराने कब्रिस्तान के आसार भी अभी बाकी हैं। मंदिर है, कुछ दरबार हैं। ये वो जगह जिन कश्मीरियों ने अपने बाजाद की कब्रों की कुर्बानियाँ दी, अपने घरों की कुर्बानियाँ दी कि पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को रोशन रखने के लिए। ये देखें जहाँ तक भी नज़र जाएगी आपको खूबसूरत इलाका नज़र आएगा। आगे भी हम चलेंगे इंशाल्लाह आपको मुफ्त दिखाएंगे। ये भी जब इस डैम का पानी नीचे उतरता है तो लोग यहाँ पर आते हैं उस पुराने शहर को देखने, उन अपने प्यारों की कब्रों को देखने, उन पर फातिहा ख्वानी के लिए लोग आते हैं। तो ये वो जगह है जिसके लिए हम कश्मीरियों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी ही। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें तो कालाबाग डैम जो पाकिस्तान के लिए एक ज़िंदगी मौत का मसला है, लेकिन सियासी मफादात के लिए कुछ सियासी अनासर ने उसको आज तक नहीं बनना दिया। अरबों रुपया पाकिस्तान का वहाँ ज़ाया हो चुका है लेकिन उसको आज तक बनने नहीं दिया गया। इसको सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया है। जबकि इसके बावजूद मंगला डैम के इन रहायशियों ने, इन कश्मीरियों ने एक नहीं दो मरतबा अपने घरों की कुर्बानियाँ दी। एक मरतबा तब जब ये डैम बना था उस वक़्त, फिर जब ये सदर मुशर्रफ के दौर में अपरेजिंग की गई तब फिर लोगों को उठाया गया, उनके घरों को उठाया गया। वो कि उनको कुछ जगह मतबादल दी गई लेकिन वो मतबादल उनके उस चीज़ का उन एहसास के नहीं हो सकता जहाँ जहाँ उनकी नस्लें जवान हुई, जहाँ उनके बच्चे पैदा हुए, जहाँ इंसान की एक कहते हैं जज्बाती वाबस्की होती है जिस जगह पर रहता है, पैदा होता है इंसान, जवान होता है। ये वो चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ भी लोग आए हुए हैं कुछ इस जगहों का नज़ारा करने के लिए। वो एक दूर से मंदिर एक नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये मंदिर है, कोशिश करेंगे यहाँ पास जाने की। फिर इसी तरह वो पीछे एक दरबार नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ ये देखें ये भी किसी पुरानी जगह के खंडरात नज़र आ रहे हैं, किसके आसार बाकी हैं। यहाँ पर पुराना शहर आबाद था, ये भी एक लगता है कोई मंदिर था या कोई बिल्डिंग थी, उसके असरात अभी बाकी हैं। और ये पीछे से वो पुराना रोड जो शहर की तरफ आता था वो भी पूरा नज़र आ रहा है। ये पानी जो अभी आजकल उतरा हुआ है इसलिए यहाँ तक आगे हम कोशिश करेंगे पुराना कब्रिस्तान, पुराने शहर के मज़ीद जो खंडरात और बाकियात बाकी हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने CBM TV के नाज़रीन के लिए करेंगे तो ताकि ये उन हालात और वाक़ात की भी निशानदेही होती रहे, तारीख के वो बंद पहलू जो आज तक नाज़रीन की नज़रों से ओझल थे वो भी नज़र आते रहे। ये वसी पैमाने पर देखें कितना बड़ा शहर था ये। जहाँ भी देखेंगे आपको मुस्लिम ज़िंदगी के आसार नज़र आएंगे कि उस वक्त ज़िंदगी आबाद थी, जहाँ पर चहल पहल थी, ज़िंदगी की रौनकें आबाद थी। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह। अभी हम आगे भी जाएंगे आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ से ये हो रहा है। वो देखें दूर से वो दरबार नज़र आ रहा है और ये मंदिर नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे दिखाते हैं आपको। या दरबार ये देखें ये एक कोई पुरानी इमारत थी, ये लगता है कोई मजहबी इमारत थी, इसे हम मज़ार भी कह सकते हैं, मंदिर भी कह सकते हैं, या किसी किस्म की एक मजहबी इमारत के आसार नज़र आ रहे हैं। ये इसे मंदिर भी कह सकते हैं, कोई गुरुद्वारा भी हो सकता था, कोई मस्जिद भी हो सकती थी, दरबार भी हो सकता था किसी वली अल्लाह का। तो ये पुराना शहर है, ये देखें जा बजा आपको वो पुरानी बिल्डिंग के आसार नज़र आएंगे जो आज तक इसके मौजूद हैं। ये इस वक्त हमारे साथ जहाँ भी आप नज़र देखेंगे दूर दूर तक आबादी के बहुत असरात आज भी नज़र आएंगे। ये इस वक्त हमारे साथ एक हमारा दोस्त अली हैदर साहब आए हुए, वो इस वक्त हमारे साथ इसकी रहनमाई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो उनके साथ में हम यहाँ तक पहुँचे, इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे इन चीज़ों पर, दोबारा भी कहीं मौका मिलेगा तो वो हम फोकस करेंगे। ये अली हैदर जलालन जी,
तो इनके साथ हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और ये मंगला डैम का पुराना शहर था जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, वो अगर आप देखें पानी के उस तरफ भी, वो रोड जो नज़र आ रही है, ये पानी के उस तरफ रोड नज़र आ रही है जो आगे पीछे एक वादी है, पूरा शहर था वो देखिए, पीछे भी वो ईंटों के कुछ ढेर नज़र आ रहे हैं, जो पुरानी बिल्डिंग थी जो उस वक्त गिर गई थी जब ये बनाया गया। ये सामने भी देखेंगे आप तो वो पुराने मकानात के असरात नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग थी। कमाल आफरीन है इस कश्मीरी कौम पर, इनके इनके जज्बा कुर्बानी को सलाम, इनके जज्बा खिदमत और जज्बा कुर्बानी को सलाम, जिन्होंने इस मुल्क को कौम की तरक्की, खुशहाली और रोशनियों के लिए आपने आबाओ अजदाद की कब्रों की कुर्बानियाँ दी, अपने उन जज्बात की कुर्बानी दी जहाँ पर इनकी औलादें पैदा हुई, बड़ी हुई, जवान हुई। कहते हैं जहाँ पर इंसान पैदा होता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन कश्मीरी उनके जज्बा कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। ये देखें जी उस वक्त के ज़िंदगी के असरात में से एक ये भी निशानी है, देखिए ये कुआँ है, पानी वाला कुआँ, ये वो पानी का कुआँ था जो यहाँ से इस आबादी को पानी मुहैया होता था। ये आज भी इसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाकियात उसकी मौजूद है। कितना खूबसूरत, कितनी मजबूती से ये बनाया गया था, कितना इतने साल गुजर गए, ये हमेशा पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन जब पानी उतरता है तो ये फिर नमाया हो जाता है। अभी भी इसके अंदर पानी है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये पानी खुशक होता रहेगा, इसके मज़ीद नीचे से नज़र आएगा। इसे कहते हैं पुराना मीरपुर शहर, यहाँ से लोगों को फिर अपने घरों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी, इनको छोड़ना पड़ा, अपनी जायदादों को छोड़ना पड़ा, अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को छोड़ना पड़ा, फिर ये लोग ऊपर नई आबादी इनको में मुंतकिल किया गया। आज भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो आबादकारी के मरहल में से गुजर चुके हों, जिनको अभी तक भी उनका हक नहीं मिल सका जो उन्होंने छोड़ा था, लेकिन वो क्या है कि सरकारी फाइलों में ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इन कश्मीरियों के उस जज्बा को सलाम जो इन्होंने मुल्क कौम की तरक्की के लिए दिया। और अब इन कुर्बानी को दिखाने का मकसद ये है कि आज भी अगर कुछ लोग ऐसे किरदार होते हैं जो बदज़बानी के ज़रिए इनकी कुर्बानियों को जुटलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, कुदरत का एक अपना निज़ाम है जो दिखाती है कि इंसान कैसे कुर्बानी भी देना जानता है, तरक्की भी करना जानता है और दूसरों के लिए अपनी ज़ात को पीछे धकेल देता है। और यही वो जज्बा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए कितनी दूर तक पानी, डैम के सेंटर में खड़े हैं ये इस वक्त, बिल्कुल हम उस पुराने शहर के मरकज़ में खड़े हैं। अगर ये थोड़ा सा पानी का रास्ता में देखते हैं कहीं मिलेगा तो हम आगे भी जाएंगे उस तरफ, कोशिश करेंगे वो मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो मंदिर जो पीछे नज़र आ रहा है, या उस दरबार तक जाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ देर के बाद हम आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। ये देखें मेहमान परिंदे भी इस जगह पर आ जाते हैं जो दूसरी जगहों से हिजरत करके यहाँ पर आते हैं, फिर मौसमी तब्दीलियों के साथ साथ ये उस ज़िंदगी के वाक़ियात अभी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो ये इन कश्मीरियों के लिए फ़ख्र का मकाम है कि उन्होंने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बकाओ सलामती के लिए, रोशनी के लिए, तरक्की के लिए, कौम की खुशहाली के लिए, उम्मा की खुशहाली के लिए उन्होंने अपनी जो कुर्बानी दी उसका कोई नेमल बदल नहीं है, ना ही उसका कोई नेमल मतबादल दिया जा सकता है। तो ये हैं वो जज्बे जो कश्मीरियों ने हमेशा दिए और आज भी दे रहे हैं। और हमारे यही कश्मीरी हैं जो आज भी श्रीनगर में भी बंदूकों के साए में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, अपने शहदा को पाकिस्तानी परचम में वो दफन करते हैं। मैं भी बहसीत कश्मीरी, बहसीत इंसान, उनके जज्बात को सलाम करता हूँ, उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने वो लखते जिगर पैदा किए, जो कुर्बानियाँ देते रहे हैं, दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहे हैं जब तक कि उनको उनकी मंजिल नहीं मिलती। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, कितनी खूबसूरत जगह थी, कितना खूबसूरत शहर था ये जब यह आबाद था, यहाँ रौनकें थी, यहाँ रौनकें थी, खुशहाली थी, ज़िंदगी की अपनी पूरे जौवन के साथ उस वक्त आबाद थी जब ये शहर को यहाँ से उठाया गया, जब ये डैम बनाने के लिए तैयारी की गई तो इस वक्त ज़िंदगी पूरे अरूज पर थी, पूरे अपने रंगीनियों के साथ रवा दवा थी।